Hey guys, welcome back to another video. This is me, Toshiv guys. So, very good morning guys and happy Eid Mubarak to all of you. So finally 30 days ke prayers and fasting ke baad, aaj hamara Eid ka festival hai. As you know, I'm Muslim, so. तो आज हम जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ईदगाह जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं एंड आपको भी दिखाऊंगा वहाँ पर शूटिंग कि कैसे कितने लोग वजू करते हैं मतलब एंड कितने लोग आते हैं प्रेयर्स वगैरह के लिए. तो बहुत ही अच्छा जगह है गाइस. एंड उसके बाद फिर मेरे ग्रैंडफादर को मतलब ही पास्ड अवे, सो हम फ्लावर भी उनको ऑफर करने जाएंगे कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं. सो उसके बाद जाएंगे रिलेटिव्स के पास ईदी वगैरह लेने. सो एंड विल हैव देन बिरयानी देन बैक टू स्टडी. एंड सो इफ यू न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब गाइस एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन. सो लेट्स गो गाइस. हे गाइस, तो हम लोग आ गए ईदगाह एंड आप देख सकते हो अब चादर वगैरह पड़ चुके हैं नमाज के लिए. एंड ये है आपका जहाँ पर वजू करते हैं लोग. भाई बहुत ही गहरा है, 10 फीट नीचे. एंड गाइस ये देखो, ये बरगद जो आपका 200-300 साल पुराना है, क्योंकि लोग बोलते हैं वैसे एक गच से बहुत सारा गच हो गया था. तो ये है आपका कब्रिस्तान. हम लोग अभी जाएंगे जल्दी इसके अंदर, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो हम लोग फ्लावर ऑफर नहीं कर पाएंगे ग्रैंडपा को. एंड देखो गाइस ये है जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ता है, बहुत ही पीसफुल जगह है. तो गाइस हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं कब्रिस्तान में. ये देखो गाइस, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुकून वाला जगह है. एवरीवेयर इट्स प्लान ट्रीज एंड ऑल. तो देखो गाइस ये है हमारे ग्रैंडफादर का ग्रेव, इसको कब्र बोलते हैं. तो ये देखिए गाइस, हमने हमारे ग्रैंडफादर के फेस के पास एंड लेग के पास बेल का प्लांट लगाया बिकॉज उनको बहुत पसंद था ये वाला. होप जल्दी बड़ा हो जाए. तो ऑफर कर दिया एंड इट्स टाइम टू गो बैक होम. फिर आना है सुबह. बाय गाइस. तो नाउ इट्स 10 o'clock, मतलब 10 के अबव हो गया, 10:15 हो गया. सो लेट्स गो टू ईदगाह गाइस. एंड आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं. वैसे नमाज यहाँ पर लेट से स्टार्ट होता है. सो लेट्स गो. ये आपका ईदगाह का रास्ता. तो गई बहुत सारा भीड़ है, लोग बहुत सारा है. पार्किंग का स्पेस मिलेगा नहीं मिलेगा फिर भी लेट्स गो. होप दैट पार्किंग मिल जाए. 3 साल के बाद ईदगाह में नमाज पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एज यू नो पहले कोविड के वजह से नहीं मिला था परमिशन. सो फाइनल गाइस हम लोग पार्किंग कर दिए हैं. इट्स टाइम टू गो इनसाइड. भाई बहुत भीड़ है आज. इतना भीड़ है भाई. गाइस देखो यार, मेरे को लग रहा है 3-4 हज़ार से कम नहीं होंगे. बहुत लोग हैं आज. पूरा अंदर बिल्डिंग से लेके यहाँ पर पूरा गेट तक भीड़ है भाई. चलो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कितने लोग हैं. यहाँ पर भी देखो भाई, सीढ़ी में भी लोग भर गए. फिर मारेगा गिरी मार पड़ा.
तीन साल के बाद इतना बड़ा इधर है, पूरा ग्रेड है। हाँ गाइस, तो मैं अभी ऊपर सीढ़ी के ऊपर आ गया हूँ भाई, देख सकते हो कितना भीड़ है। हाँ इस बार मतलब आउट ऑफ द लिमिट हो गया। वैसे कैपेसिटी यहाँ पर 2000 है, मेरे को लगता है इस बार 2500-3000 तो हो गया होंगे। एनीवेज गाइस, नमस्ते पढ़ने हैं, लेट्स वेट। हे गाइस, सो नाउ ईद का नमाज इज ओवर एंड यू कैन सी यहाँ पे लोग गले मिल रहे एक दूसरे के, एंड हम लोग चलते हैं अभी कब्रिस्तान के अंदर, फिर से हम देखते कितने लोग हैं। यार ये जो है ना ट्रेंड नमाज के बाद गले लगने का, भाई बहुत ही मस्त है। देखो गाइस बहुत सारे लोग हैं। ए गाइस, तो ईदगाह में तो काम खत्म, अभी घर को जाना है, बिरयानी से नहीं खाना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।